हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉजिकल एडवाइस में। मैं हूँ सुमित। आज हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं रियलमी 3 प्रो का। दोस्तों ये स्मार्टफोन यहाँ पे 3 कलर्स में आता है, कार्बन ग्रे, नाइट्रो ब्लू और लाइटनिंग पर्पल। ऐसे 3 कलर्स में स्मार्टफोन आता है। दोस्तों आज हमारे पास यहाँ पे लाइटनिंग पर्पल कलर है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पे मैं इसकी आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो हमको यहाँ पे 6.3 इंच की यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाती है 60 मिलियन कलर्स के साथ। यहाँ पे हमको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी इस डिस्प्ले में मिल जाता है। सो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे इस टच रिस्पॉन्स है इस स्क्रीन का। और अगर यहाँ पे फ्रंट कैमरा की बात करें तो हमको यहाँ पे नॉच डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाती है, जिसमें फ्रंट कैमरा यहाँ पे फिट किया गया है। सो काफ़ी क्लासिक और यूनिक सा डिज़ाइन है दोस्तों यह स्मार्टफोन का। देखने में स्मार्टफोन काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम लगता है इस वाटर ड्रॉप नॉच की वजह से। और यहाँ पे बैक साइड की बात करें तो हमको यहाँ पे ड्यूल कैमरा और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे एक मिल जाता है बैक साइड में। जो लाइटनिंग पर्पल कलर है दोस्तों यहाँ पे लाइट में काफ़ी बढ़िया यहाँ पे शाइन करता है। जैसे हम यहाँ पे स्मार्टफोन को ट्विस्ट करते हैं, ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कलर इसके चेंज होते हैं। तो ये कलर काफ़ी बढ़िया यहाँ पे क्लासिक लगता है ये कलर। और यहाँ पे बॉटम की बात करें तो हमको यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, और यहाँ पे सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट और उसी के साथ यहाँ पे लाउड स्पीकर भी यहाँ पे बॉटम में मिल जाता है। और यहाँ पे हमको पावर बटन और दूसरे साइड में यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स कीज यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल तो इस स्मार्टफोन में हमें एंड्रॉयड का पाई वर्जन इंस्टॉल्ड है, पर यह स्मार्टफोन यहाँ पे एंड्रॉयड क्यू प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई हो चुका है। और यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो हमको यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 710 यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो बना है 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ। और यहाँ पे ये स्मार्टफोन 4GB और 6GB यहाँ पे 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। सो दोस्तों यहाँ पे गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे गेमिंग में इस स्मार्टफोन का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। सो अगर हम यहाँ पे बैक साइड की बात करें तो हमको यहाँ पे ड्यूल रेयर कैमरा मिल जाता है। जो मेन कैमरा है वो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का है, और जो सेंसर है यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का है। दोस्तों जो सेंसर है दोस्तों यहाँ पे सोनी के साथ फ्लैगशिप में बनाया गया है। दोस्तों काफ़ी बढ़िया यहाँ पे 64 मेगापिक्सल तक ये स्मार्टफोन यहाँ पे इमेजेस कैप्चर कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे फोटो की क्वालिटीज़ काफ़ी बढ़िया होने वाली है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो हमको यहाँ पे 25 मेगापिक्सल का यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिल जाता है। दोस्तों हम यहाँ पे कुछ इमेजेस क्लिक करके देखते हैं। सो देख सकते हो दोस्तों काफ़ी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे ये कैमरा कैप्चर कर रहा है, काफ़ी यहाँ पे डिटेल में ये कैमरा इमेजेस को कैप्चर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। और यहाँ पे कलर भी काफ़ी उभर के आ रहे हैं स्मार्टफोन के। सो दोस्तों ये स्मार्टफोन यहाँ पे 4GB वाला वेरियंट जो यहाँ पे 14,000 में मिल रहा है, और यहाँ पे 6GB वाला वेरियंट यहाँ पे 16,000 या 17,000 रुपीज़ में मिल रहा है। सो दोस्तों ओवरऑल जो ये जो स्मार्टफोन का पैकेज है वो काफ़ी यहाँ पे यूनिक और क्रेजी पैकेज है। सो अगर आप इस स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।